आती है करुणा, अगली दस तक आपके घर। नमस्कार, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्ति अग्निहोत्री। दुनिया के करीब 60 देशों के भ्रमण के बाद कोरोना ने शुरू किया अब भारत का दौरा। कोरोना ने अपना दौरा भारत के दक्षिण के राज्य केरल से शुरू किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना बिना रुके और थके अपने पांव पसारता जा रहा है और अब बस ये वायरस भारत के कई राज्यों में भी अपना दस्तक दे चुका है। भारत में अभी तक 18 केस पाए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखे हैं। लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, लैब में लोगों की जांच और सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आखिर क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक ऐसे परिवार से है जिसकी वजह से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या आपको हो सकती है। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी जिसने कि आपके देश में भी दस्तक दे दी है। वहीं WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक का इसका कोई समाधान नहीं खोजा गया है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसके लेकर बहुत सावधानियां बरती जा रही हैं। कैसे बचें इस जानलेवा कोरोना से? भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बचने के लिए बताया, हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लें ताकि दूसरों को इसका प्रभाव ना पड़े, खुद को जंगली जानवरों के संपर्क से दूर ही रखें। वहीं अगर आज से लगभग 18 साल पहले की बात करें तो SARS वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। वर्ष 2002 और 2003 में SARS की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 700 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपको इस वायरस से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मानसिकता की नेगेटिव सोच भी इसका कारण बन सकती है। बाकी की खास खबरों के लिए बने रहें NBC हिंदी के साथ। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।